हम लोग आपको टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जो है डॉग स्क्वाड मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, लगातार वो स्टाफ से बात करते हुए हमें कैमरे में नजर आ रहे हैं और आपको भी नजर आ रहे होंगे। मयूर विहार फेज वन का मदर मेरी स्कूल है ये, यहाँ पर लगातार सुबह से ही जांच चल रही है। सुबह ही अभिभावकों को ये जानकारी दे दी गई थी कि आपने बच्चों को आकर के ले जाए, सभी बच्चों को यहाँ से निकाला जा चुका है सुरक्षित और पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? ये बच्चा पढ़ता है। यस सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वैभव शर्मा। किस क्लास में बच्ची है आपकी? केजी क्लास में। केजी में है, क्या हुआ था सुबह? सुबह 7:50 का टाइमिंग है स्कूल का, तो जब मैं बच्चे को छोड़ने आ रहा था तो मेरा बेटा पढ़ता है एमएटी स्कूल में और बेटी पढ़ती है मदर मैरी में। बेटा एमएटी कौन से? एमएटी ये वाला। अच्छा। एमएटी इंटरनेशनल स्कूल मयूर विहार। तो मैं बस ये देखने आ गया कि बेटे को तो नहीं आया मैसेज, क्योंकि बेटे की छुट्टी नहीं करी गई है। तो क्योंकि दोनों की बाउंड्री सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, एक ही बाउंड्री लगती है दोनों की स्कूलों की। तो पता ऐसे चला कि जब सुबह छोड़ने आ रहा था तो सारे बच्चे स्कूल से वापस जा रहे थे, तो मैंने कैसे बेटी से पूछ लिया कि बेटा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि छुट्टी कर दी गई स्कूल की। तो मैंने रीजन पूछा था, उन्होंने रीजन नहीं बताया। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो इतना सुबह फोन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो जब मैं घर वापस गया तो वाइफ को मैसेज आया था फ्रॉम द क्लास टीचर कि ईमेल के थ्रू एक बॉम्ब थ्रेट का एक मैसेज आया है स्कूल को, इसलिए स्कूल बंद किया गया है। तो अब मैं बेटे को देखने आ गया था कि ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि दोनों की बाउंड्री सेम है, बॉम्ब अगर यहाँ पर फटेगा तो इम्पैक्ट उसका उसमें भी जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एमएटी स्कूल तो अभी ऑपरेशन में है और चल रहा है वो अभी। तो ये क्या अभिभावक हैं जो परेशान होकर के आ गए थे, क्योंकि इसी स्कूल के नजदीक में एमएटी का एक ब्रांच भी है, उनका बेटा वहाँ पे पढ़ता है, उनकी बेटी को यहाँ से ले जा चुके, लेकिन डरे हुए हैं कि अगर इस तरह की जो थ्रेट है उसमें कोई सच्चाई हुई तो असर उस स्कूल में भी जाएगा, वो यही कहते हुए नजर आ रहे। फिलहाल हम अभिभावकों से यही कहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस अपनी जाँच कर रही है, पुलिस ने एसओपी यहाँ पर लागू कर दी, सभी एसओपी को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक मत क्रिएट की। कहीं ना कहीं ये जो मेल भेजा गया है 10 स्कूलों को, सभी 10 स्कूलों को यही सोच करके गया कि पैनिक की स्थिति क्रिएट हो जाए। यहाँ पर अभी फिलहाल जांच चल रही है, काफी देर से यहाँ पर जांच चल रही है और अंदर हमने आपको तस्वीरों से भी दिखाया कि डॉग स्क्वाड और साथ ही साथ पुलिस और साथ ही साथ बॉम्ब स्क्वाड भी अभी मौजूद है। मदर मैरी स्क्वाड और पुलिस जांच कर रही है। मेरे सहयोगी अभय साकेत के एमएटी स्कूल में पहुंच गए हैं। साकेत के एमएटी स्कूल में क्या स्थिति है अभय, क्या वहाँ स्थिति जमीन पर नजर आ रही है, डिटेल में बताइए। देखिए पवन, इस वक्त मैं हम एमिटी साकेत स्कूल के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल से बाहर लेकर जा रहे हैं, वापस घर लेकर जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी स्कूल के अंदर एसओपी का जो ऑपरेशन है वो चल रहा है, यानी कि किसी भी संदिग्ध चीज को ढूंढने की जो कवायद है वो चल रही है, हालांकि कुछ मिला नहीं है। हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिजवाल। जोगिंदर जी, कौन सी क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं? नर्सरी। नर्सरी में। या क्या कॉल आपको स्कूल से मिला, अभी क्या चल रहा है? स्कूल एक्चुअली गिव मी अ कॉल दैट प्लीज कम एंड पिक अप योर किड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कूल में भी पैनिक का माहौल है और पेरेंट्स में भी पैनिक का माहौल है, तो साकेत के सारे स्कूलों की छुट्टी की जा रही है बिकॉज, क्योंकि पेरेंट्स में डर है कहीं कुछ हो जाए बेसिकली। तो वैसे तो कुछ है नहीं, मे बी इट इज जस्ट लाइक अ वोकस कॉल, बट पेरेंट्स में डर का माहौल बहुत ज्यादा है, तो सब लोग फटाफट आ रहे हैं, अभी बहुत ट्रैफिक भी लगा हुआ है। स्कूल से सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्कूल से सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आइए अपने बच्चों को ले जाइए, बॉम्ब वॉम का कुछ ऐसा नहीं है, पर हम लोग न्यूज में चेक कर रहे हैं रेगुलर कि इट्स अ थ्रेट। मेल्स मिले हैं और पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस बात से घबराए भी हुए हैं, और भी पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप भी बच्चों को लेने आए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन स्कूल से मिली थी, क्या चल रहा है? सर मेरे बच्चे तो कई सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं, ये ऐसी कॉल्स आती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई शराबी खराबी या कोई ऐसा हैकर है जो फालतू परेशान करता है, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और बच्चों भी परेशान होना पड़ रहा है। पैनिक करने के लिए आपको लग रहा है कि ये कॉल, ये सिर्फ फालतू की कॉल्स होती है, इनका कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल बगल में देखिए, छुट्टी नहीं हुई इनकी, इनको छुट्टी करनी पड़ गई है, उसकी छुट्टी नहीं हुई है, वो देखिए बच्चे अंदर क्लास में बन रहे हैं। स्कूल में टीचर्स ने क्या बोला बेटा आपको, क्या कहा गया? सबसे पहले तो हमको बोला गया कि ये नॉर्मल ड्रिल है, मतलब प्रैक्टिस के लिए है, पर उसके बाद पता चला कि बहुत सारी टीचर्स बोल रही है कि एक बॉम्ब थ्रेड आई है, और मुझे लगता है ये बहुत बार आ चुकी है, तो ये भी ड्रिल की तरह ही होगी।
देखिए बिल्कुल सबसे अच्छी बात यह है पवन की पेरेंट्स इस बात को समझ रहे हैं। देखिए ये सामने एमिटी इंटरनेशनल स्कूल है और स्कूल के अंदर अभी किस तरीके से एसओपी को फॉलो किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पेरेंट्स अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स का ये कहना है कि उन्हें ये लगता है कि पैनिक करने के लिए जानबूझकर ऐसा कॉल किया गया। देखिए पुलिस यहां पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, साथ ही स्कूल का जितना सिक्योरिटी स्टाफ है वो यहां पर मौजूद है, स्कूल के लोग मौजूद हैं और साथ ही पेरेंट्स मौजूद हैं, कुछ स्कूल के टीचर्स यहां पर मौजूद हैं। सर अभी क्या चल रहा है स्कूल के अंदर, क्या कॉल? देखिए पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। मैम आप बच्चों को लेने यहां पर आए? आपको क्या कॉल क्या मिला था कि किस तरह का थ्रेट है, क्या थ्रेट है? No, the school has received some email, so regarding that they have evacuated the kids. So we are just picking up the kids and taking them home safely. चल रहा है अंदर जांच वांच चल रही है अभी? Yeah, all this process is on. देखिए प्रोसेस अभी ऑन है पवन, और हम आपको बता दें कि प्रोसेस को पूरा होने में अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एसओपीज होती हैं। हालांकि पुलिस के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि स्कूल के अंदर जो चेकिंग की गई वहां पर स्कूल में कुछ नहीं मिला है। हम आपको एक तस्वीर यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सारे बच्चे जो है इस वक्त यहां पर बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। ये देखिए सब बच्चों को बाहर जो रिसेप्शन है उसके बाहर बैठाया गया है, साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं स्कूल के वो भी इस वक्त पूरी तरीके से देखरेख कर रहे हैं, स्कूल के टीचर्स यहां पर मौजूद हैं, पेरेंट्स को बुलाया गया क्योंकि जो बसों की टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है। और बता दें अभी आपके पास लौटेंगे, ये धमकी भरे ईमेल का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि ये ईमेल 50 से ज्यादा स्कूलों में पहुंच गए हैं और स्पेशल सेल अब इसकी जांच करेगा। आपको बता दें कि ये शुरुआत 10 स्कूल से हुई थी, उसके बाद एक के बाद एक दायरा बढ़ता जा रहा है और अब ये ईमेल 50 से ज्यादा स्कूलों में पहुंच गया है। आप अंदाजा लगाइए किस बड़े स्तर पर ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और इसके वजह ये है कि अब एक के बाद एक 50 स्कूलों की तरफ से फायर ब्रिगेड और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है कि उनके स्कूल में ये मेल भेजा गया है, यानी एक बड़े स्तर पर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश है। मेरे सहयोगी अभय के पास लेकर चलते हैं जो अमेठी स्कूल में इस वक्त मौजूद है। देखिए पवन हम आपको बता दें कि 50 से ज्यादा स्कूल हैं जिनको धमकी भरे ईमेल्स मिले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये दायरा और बढ़ सकता है क्योंकि जो जितने बड़े स्कूल हैं उनको जब ये ईमेल गया उस ईमेल के अलावा अभी भी दमकल विभाग और साथ ही दिल्ली पुलिस के पास अलग अलग स्कूलों से कॉल्स आ रही है। एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो देने की कोशिश की गई है, एक पैनिक फैलाने के लिए। और दिल्ली के जो नामचीन स्कूल हैं जिसमें हम आपको एक तस्वीर दिखा दें, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल जो कि साकेत का एक पॉश स्कूल है, इसके अलावा डीपीएस आरकेपुरम, मदर मैरी स्कूल और द्वारका के तमाम और भी स्कूल हैं, ग्रेटर नोएडा के स्कूल हैं। और अब ये जानकारी आ रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे थ्रेट ईमेल की जांच कर रही है, क्योंकि हम आपको बता दें कि किसी भी ऐसे जो थ्रेट के मामले होते हैं उनकी जांच स्पेशल सेल करती है। और क्योंकि ये टेक्निकल तरीके से धमकी भरा ईमेल भेजा गया है, इसका आईपी एड्रेस क्या है इसको पहचानने में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल जिसे आईएफएसओ यूनिट कहा जाता है उसे भी लगा दिया गया है। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर 50 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसने ईमेल भेजा है उसका जो कंटेंट है वो भी बेहद खतरनाक है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स में पैनिक फैलाने के लिए ये हरकत की गई है। और क्योंकि मास लेवल पर ये हरकत की गई है तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ना केवल स्पेशल सेल बल्कि सेंट्रल एजेंसीज जो है वो भी इन धमकी भरे ईमेल्स की जांच करने के लिए अब आगे आने वाली है। पेरेंट्स लगातार पहुंच रहे हैं स्कूल के अंदर, आप लोगों को स्कूल बुलाया जा रहा है, क्या पैनिक है आप लोग? यहाँ पर स्कूल के तमाम स्टाफ और बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेने आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जानबूझकर पैनिक फैलाने के लिए ईमेल्स भेजे गए हैं सुबह तकरीबन 4 से 4:30 बजे, जिसमें बहुत खतरनाक तरीके की बातें कही गई हैं कि सबको खत्म कर देना है, स्कूल के अंदर विस्फोटक लगा दिए गए हैं, इन लोगों को मारना है, किस तरीके से हार्म करना है, कहां कहां पर चोटें पहुंचानी है, ये तमाम बातें इस ईमेल में लिखी गई हैं। और अब खबर ये है कि ना केवल स्पेशल सेल बल्कि सेंट्रल एजेंसीज भी
इस थ्रेट ईमेल्स की जांच जो है वो कर रही है, क्योंकि बड़े मास लेवल पर दिल्ली के द्वारका के करीब 7-8 स्कूल हैं, साकेत, पुष्प विहार, आर के पुरम, यहाँ के कई स्कूल हैं। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा के भी कई स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। और ये देखिए, बच्चों की यहाँ पर एक लाइन लगवाई गई है, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं पहुँचे हैं उनको बस के जरिए भेजा जाएगा, उनके घर भेजा जाएगा। पेरेंट्स लगातार पहुँच रहे हैं, अपने दफ्तरों से पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं पैनिक में हैं। आप बच्चों को लेने आए स्कूल से, क्या जानकारी दी गई आप? बॉम्ब थ्रेट मिला है, इसी वजह से हमें नोटिस भेजा गया प्रिंसिपल की तरफ से, तो फटाफट सब लोग भाग के आए। मैं जिम में थी, मुझे मैसेज आया, मैं फटाफट भाग के आई। पता नहीं क्यों थ्रेट्स मिल रहे हैं ये तो नहीं पता, बट बहुत बार इस स्कूल को थ्रेट्स मिल चुके हैं, रियल रीज़न हमें नहीं पता है। बच्चे क्या बता रहे हैं कि अचानक से टीचर्स ने क्या बोला, किस तरीके से यहाँ पर SOP फॉलो की जाए? उनको पता ही नहीं है एक्चुअली। तुमको पता था बेटा? नहीं पता था, बच्चों को कुछ नहीं पता था आई गेस। क्या लग रहा है आपको, ऐसा जो भी कर रहा है कई बार थ्रेट, क्यों इस तरह के ईमेल भेजे जा रहे हैं? नो आइडिया। पेरेंट्स लगातार अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है और स्कूल की तरफ से क्या जानकारी दी गई आपको? स्कूल की तरफ से थ्रेट आया हुआ था, उसकी जानकारी दी गई थी। तो थ्रेट में बताया गया किस तरीके का मेल है और अभी अंदर क्या चल रहा है? अभी तो बस बच्चों को पिकअप कर रहे हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स को ये स्कूल की तरफ से जानकारी दी गई कि स्कूल के अंदर एक थ्रेट ईमेल आया है, कि स्कूल के अंदर बम है। साथ ही दमकल विभाग यहां पर पहुंचा और अभी भी जो SOP है उनका पालन यहां पर किया जा रहा है। स्कूल के अंदर से देखिए बाहर तक बच्चों की लाइन जो है वो यहां पर लगवा दी गई है। कुछ पेरेंट्स जो पहुँच रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए उनको जाने दिया जा रहा है, और दूसरे जिनके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं उनके लिए भी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। बड़े लेवल पर यहाँ पर अभी स्कूल के अंदर जो है और भी यहाँ पर पेरेंट्स पहुँचे। मैम, स्कूल की तरफ से क्या जानकारी दी गई, किस तरह का थ्रेट? नहीं, मुझे खास जानकारी नहीं है, वो अपनी कर रहे कार्रवाई। देखिए, कार्रवाई लगातार की जा रही है और बड़ी बात यह है पवन की 50 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। और अब ना केवल लोकल पुलिस बल्कि स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसी जांच करेंगी, क्योंकि तभी पता लग पाएगा कि जो IP एड्रेस है जिससे ये मेल भेजा गया है, एक ही सेम मेल अलग अलग स्कूलों में लगातार उनकी ईमेल ID पर भेजा गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि स्कूलों को उड़ा दिया जाएगा, स्कूल के अंदर बम मौजूद है। और सोचिए उन पेरेंट्स पर क्या बीती होगी जिन्होंने स्कूल की तरफ से ये SMS पढ़े होंगे, व्हाट्सएप मैसेज पढ़े होंगे कि स्कूल के अंदर धमकी भरे मेल आए हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पुलिस लगातार BCC भी मेल है, उसमें कई स्कूलों के इंटरेस्ट है, तो कितने स्कूल होंगे साउथ वेस्ट में अगर बात की जाए? अभी वी आर स्टिल रिसीविंग इंफॉर्मेशन, वी हैव रिसीव्ड द मेल टू अराउंड 5 स्कूल्स। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी भी जो है लगातार इस तरह के थ्रेड मेल जो है वो आ रहे हैं? वो बेसिकली कुछ स्कूल्स उसको अलग अलग टाइमिंग्स पे देख रहे हैं, तो इसलिए जो टाइमिंग है वो वेरी कर रही है। हम दिल्ली पुलिस की सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट टेक्निकल विंग्स हैं, इंक्लूडिंग IPSO साइबर एंड आर साइबर पुलिस स्टेशन टीम्स, ऑल ऑफ देम हैव आर ऑन द टास्क टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। PRO का क्यों नहीं करते बताओ? So many the mail has been received by many schools and it was sent early this morning and schools are regularly informing us and we are responding to each and every school. We are sending our bomb disposal teams, checking teams. हमें जो ईमेल मिला उसमें कुछ वार्निंग्स थी, बॉम्ब का स्केयर है ये कह के हमने ईमेल पढ़ा। जब ईमेल पढ़ा तो हमने इमीडिएटली सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, फायर वालों को इन्फॉर्म किया और इमीडिएटली पुलिस हमारी मदद के लिए आ गई। और उसी के थोड़ी देर में हमने अपना एक मैसेज पेरेंट्स को बनाया और इवैक्यूएशन प्लान की तैयारी करते हुए सब बच्चों को एग्जिट कर दिया। तो 8:15 तक मैम स्कूल में बच्चे पहुंच चुके थे? हाँ जी, बिल्कुल सारे बच्चे आ चुके थे, सब बच्चे आ चुके थे। 2100 बच्चे सर? 2100 बच्चे? हाँ जी, 2100 बच्चे और 140 के करीब स्टाफ। और बिल्कुल मैम, अगर इस तरह का ईमेल आता है तो जाहिर तौर पर जो टीचर्स हैं आप हेड करती हैं पूरे स्कूल को, तो पैनिक हो जाता है, तो किस तरह से मैनेज किया गया इस तमाम चीज़ें? सर, कोई पैनिक नहीं था, बहुत पीसफुली सोचा गया प्लान को और आराम से एग्जीक्यूट किया गया और पेरेंट्स ने भी पूरी सपोर्ट किया हमें इस इवैक्यूएशन प्लान में।
अभी सारे बच्चे हैं? सारे बच्चे तकरीबन चले गए हैं, आई थिंक 2-3% बच्चे रह गए जिनके पेरेंट्स शायद वर्किंग होंगे तो लेने आ रहे हैं। तो इसमें मैम आप कंप्लेंट फाइल करेंगी पुलिस को? हमने ऑलरेडी सुबह ही मेल लेटर पुलिस को भेज दी है और लेटर के साथ हमने उनको पूरी तरह इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस भी विद इन 5 मिनट स्कूल में आ गई थी, हम उनके लिए भी बहुत थैंकफुल हैं। मैम इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जब इस तरह के थ्रेट ईमेल्स में स्टूडेंट्स ही इन्वॉल्व रहे हैं, कभी एग्जाम होता है तो इस तरह के मेल कर देते हैं, तो आपको लगता है कि बच्चों की ग्रूमिंग होने की जरूरत है? और सर मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ रही हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से इवैक्यूएशन प्लान बनाया गया था, कैसे बच्चों को निकाला गया, इसे SOP कहते हैं, यानी अगर ऐसी स्थिति हो तो कैसे बच्चों को निकाला जाए, उसी तरीके से सबको निकाला गया।